देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर सिक्स के ऊपर आपके पास है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म 2q राइट एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज अ फॉर्म 2q प्लस 1 एंड q इज सम इंटीजर। तो इसे ध्यान से समझिए, बात की गई है कि हमने कोई भी आपके पास इवन इंटीजर लिया, सबसे पहले इवन इंटीजर के लिए क्या कहेंगे आप, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि एवरी इवन इंटीजर 2 के साथ डिवाइड होता है। कोई भी आप इवन इंटीजर उठाइए 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्लियर। तो कहने का मतलब कि मैंने कोई अगर नंबर ए है, अगर इसको मैं 2 से साथ डिवाइड करता हूं, किसी नंबर ए को 2 के साथ डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वल डिविजन लेम्मा। हमने डिविजन लेम्मा अभी किया था, तो उसमें हमारे पास क्या था कि 2 को जब मैं किसी पर्टिकुलर नंबर ए के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक क्वेश्चन भी आने वाला है और एक रिमाइंडर भी आने वाला है। कोई भी नंबर उठाया, इवन में उठाया, मैंने 42 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहां पे सॉरी रिमाइंडर क्या बचा, 0, और मेरे पास क्वेश्चन कुछ आया, वो हमारे पास क्वेश्चन सम इंटीजर है जो दिया गया है। तो कहने का मतलब कि यहां पे मेरे पास रिमाइंडर बनेगा, क्लियर। अब लेम्मा कहता था कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, बी से छोटा होगा, यही कंडीशन थी, 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा होगा। मगर यहां पे मेरे पास डिवाइजर है क्या, डिवाइजर है मेरे पास 2, इट मींस जो रिमाइंडर होगा मेरे पास वो उसको 2 से छोटा होना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मेरे पास 2 से छोटा 1 आर 1 हो सकता है या आर 0 हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। ओके, तो ये जो लेम्मा है इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि ए को या तो 2q प्लस 0, कहने का मतलब कि 2q होना पड़ेगा। ये देखो मेरे फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे फॉर्म, तो मेरे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q। तो मैंने ये प्रूव किया कि मेरे पास एक इवन इंटीजर है, क्योंकि r अगर 0 है तो ये मेरे पास एक इवन इंटीजर बनेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा, किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास इवन बन जाता है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये इस फॉर्म में आएगा इवन इंटीजर, क्लियर। अगर यहां पे आपने 1 पुट कर दिया, आर को 1 लेके चले, अगर आपने 1 लेके चले तो यहां पे अब देखिए किसी भी इवन, ये 2q क्या था आपके पास, इवन इंटीजर। अब किसी भी इवन इंटीजर में आप 1 ऐड कर दीजिए तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास ओड। तो एग्जांपल यहां पे खत्म हो गई कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो पॉजिटिव हमारे पास इवन नंबर है वो 2q फॉर्म में आएगा और जो ओड है वो हमारे पास 2q प्लस 1 में भी आएगा। तो सिमिलरली हमारे पास एक एग्जांपल नेक्स्ट भी है इसके, एग्जांपल नंबर 3। वो एग्जांपल मेरे पास क्या कह रही है, देखिए इसी पे चलना है। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास पेज नंबर 6 के ऊपर, मैं स्टेटमेंट यहां पे पढ़ रहा हूं, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओके, पॉजिटिव होना चाहिए, ओड होना चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारे पास वो बोल रहा है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर लेके चलना है आपने, वो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो आना चाहिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में आना चाहिए। ओके, वेयर q इज सम इंटीजर, तो q को हम कोई इंटीजर लेके चलते हैं, राइट। ओके, ओड इंटीजर की बात की है, चलो लेट सपोज कर लेते हैं हमारे पास a इज ओड, मैंने कोई लेके चला, a को ओड ले लिया। ओके, a को ओड ले लिया, तो चलो हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, अपना सॉरी लेमा जो है यूके डिविजन लेमा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, यहां पे मेरे पास डिवाइजर क्या आ रहा है, डिवाइजर आ रहा है 4, तो मैं b को लूंगा 4, क्लियर, q
प्लस आर, ये हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यहां पे बी होता है हमारे पास, क्लियर। तो अब बी मेरे पास फोर है, बी मेरे पास जो है वो फोर है, तो रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन होती है, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा छोटा होगा फोर से, क्लियर। तो रिमाइंडर को क्या होना पड़ेगा, डिवाइजर से छोटा होना पड़ेगा, बी को आर को छोटा होना पड़ेगा फोर से। तो आर क्या हो सकता है, आर थ्री हो सकता है, आर टू हो सकता है, आर वन हो सकता है, आर जीरो हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, एक दो तीन चार पॉसिबिलिटी है। अगर मैं अपने ए नंबर को, ए मेरे पास है ओड, और इसे अगर मैं फोर से डिवाइड करता हूं तो कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्लियर। रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, यस जीरो हो सकता है, क्लियर। तो इस केस में ए ओड नहीं होगा, ए ओड नहीं होगा। क्यों ओड नहीं होगा, क्योंकि क्यू आपके पास कोई इंटीजर, क्योंकि ये वह जो नंबर है फोर क्यू, फोर क्यू एक इवन इंटीजर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट फोर और क्यू का प्रोडक्ट टू से डिविजिबल है, क्योंकि फोर टू से डिविजिबल है, क्लियर। और क्यू हमने कोई इंटीजर लिया हुआ है, कहने का मतलब कि इस नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इवन। अगर ये इवन है तो इसकी लेफ्ट साइड क्या होगी, इवन होगी। तो ए इस केस में ओड नहीं रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये केस तो नहीं होगा, ए इज इक्वल टू फोर क्यू हम नहीं लेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जब केस लूंगा मैं आर इज इक्वल टू वन, तो ए मेरे पास आया फोर क्यू, रिमाइंडर इस बार मैं क्या ले रहा हूं, वन ले रहा हूं। अब देखिए, ये अभी आपने प्रूफ किया कि ये इवन है, अगर इवन में वन ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ओड। तो इट मीन्स ये कंडीशन तो ट्रू है, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि एक इवन इंटीजर को मैं ओड इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्लियर। तो इसके लिए तो ट्रू हो गया, उसके बाद जीरो के लिए ट्रू नहीं हुआ था, इसके लिए ट्रू हो गया। अब टू की बात, फोर क्यू, फोर से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया क्यू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरे पास इस बार मैं क्या ले रहा हूं, टू ले रहा हूं। अब देखिए, इवन इंटीजर है ये हमने प्रूफ कर चुके हो, ये इवन इंटीजर है, इवन को इवन से जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो इट मींस ये पूरा नंबर इवन बन जाएगा, टू से डिवाइड होने वाला, क्लियर। तो ये वाला जो इंटीजर है, अगर ये वाला पार्ट अगर इवन है तो ये भी इवन हुआ। तो हमने तो प्रूफ क्या करना है, ओड करना है। तो इट मींस फोर क्यू प्लस टू ये तो इवन है, ये तो ओड नहीं है, क्लियर। तो टू के लिए तो नहीं हुआ। अब थ्री की बारी, फिर उसी तरह फोर क्यू प्लस थ्री। अब देखिए, थ्री एक ओड है, फोर क्यू एक इवन है, इवन को जब भी आप ओड से ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट ओड ही रहेगा। तो इस केस में ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास दो ही ऑप्शन आई, एक थी ये वाली या ये वाली। तो हर एक ओड पॉजिटिव इंटीजर को हम फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है आपका ये कॉन्सेप्ट, ये है हमारे पास कि हमने यूके डिविजन लेम्मा को यूज किया टू प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। सो यूके डिविजन लेम्मा सिर्फ एचसीएफ निकालने के काम नहीं आता, क्लियर। इसकी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो नंबर सिस्टम को शो करने में, प्रूव करने में, प्रॉपर्टीज उनकी प्रूव करने में हेल्पफुल होता है, क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फोर है, एग्जांपल नंबर फोर पेज नंबर आपके पास सिक्स के ऊपर है एनसीईआरटी की बुक पे। जी देखिए, ए स्वीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, हैज 420 काजू बर्फी, ओके 420 काजू वाली बर्फी। उसके बाद है हमारे पास 130 बादाम वाली बर्फी,
बादाम बर्फी, ओके 420 हमारे पास काजू वाली बर्फी है और 130 हमारे पास बादाम बर्फी है, ओके शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे, तो उसे स्टैक करना है सभी को इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर्स एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, तो ट्रे में स्टैक करना, स्टैक करना क्या होता है, जैसे ये हमारे पास बर्फी के ऊपर बर्फी रख दी है ना ऐसे, तो ऐसे कितने स्टैक आप लगा सकते हो, तो स्टैक करने से क्या होगा, आपके पास जो बर्फी जो है वो स्पेस जो ट्रे का है वो कम से कम यूज होगा, कम से कम जितना आप कर सकते हो, क्लियर, ज्यादा स्टैक लगाओगे तो ज्यादा एरिया यूज करेगी, क्लियर, तो कम लगाओगे तो कम एरिया यूज करेंगे, क्लियर, मगर हमने दोनों को लगाना इस तरीके से है कि दोनों के जो स्टैक्स हैं वो सेम नंबर आए, जैसे इसमें अगर 5 है तो इसमें भी 5 आए, जितने भी आप लगाओगे सभी स्टैक्स में 5 ही आए, क्लियर, तो ऐसा वो कुछ कह रहा है, तो इसे हमने यूज करना है, एससीएफ निकाल लेंगे दोनों का, तो हमारे पास आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा दोनों का, दोनों नंबर्स का 420 का 130 का, तो वो जो भी आएगा वो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टैक, ओके, तो यूके डिविजन लेमा से इसका एससीएफ निकाल लें, तो कैसे निकालोगे, 420 बड़ा है इसे डिवाइजर डिविडेंड में रखें, 130 को हम डिवाइजर लेंगे, क्लियर, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कैसे आता है डिवाइड करके देख सकते हैं आप, 420 को 130 के साथ डिवाइड करें, क्लियर, जब डिवाइड करोगे आपके पास ये जाएगा 3 पे, क्लियर, तो 0 आपके पास 12 में से 9 3 तो 30 आया, क्लियर, तो इट मींस आप लिख सकते हो 420 को किससे मल्टीप्लाई करना, 130 को किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 30, ओके, फिर आप क्या करते हो, फिर 130 को यहां पे ले आते हो आप, जो रिमाइंडर 30 था उसे आपने बना दिया डिवाइजर, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 बनेगा प्लस 10 ऐड कर दोगे तो आपके पास 130 बन गया, क्लियर, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये आगे आ जाएगा डिवाइजर, सॉरी ये डिवाइजर जो है वो बन जाएगा डिविडेंड, तो जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा आपके पास डिवाइडर डिवाइजर, तो ये बन गया 30 और रिमाइंडर क्या बचा 0, तो लास्ट वाले स्टेप में आपने क्या देखना था डिवाइजर क्या है, तो इट मींस एचसीएफ आपके पास कितना आ गया, तो 10, तो यही आपकी एग्जांपल है, सो देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी, तो वो 10 के लगाएगा स्टैक्स, ओके, तो ये थी एग्जांपल नंबर 4, तो इसी के साथ यहां पे हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।